मंगलवार को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधित कानून में बड़ा संशोधन करते हुए नए भूमि कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के बाद कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकता है, हालांकि अभी लद्दाख में ऐसा संभावना नहीं होगा। गृह मंत्रालय की एक नई अधिसूचना के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून तत्काल प्रभाव से लागू होता है, लेकिन लद्दाख में अभी ये लागू नहीं किया गया है। इसकी वजह है लद्दाख के नेता और सरकार के बीच पिछले महीने हुई बातचीत। इस दौरान एलएसी पर भारतीय चीन टकराव को देखते हुए अनुच्छेद 371 या छठी अनुसूची की मांग की गई। अनुच्छेद 371 में 6 पूर्वोत्तर राज्यों सहित कुल 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके। लद्दाखी नेताओं ने कहा है कि उनकी 90% आबादी आदिवासी है, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इसी तरह के प्रावधान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहले से लागू है। इन राज्यों में अन्य राज्यों के लोगों के द्वारा जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है। इन मांगों पर भाजपा नेताओं ने भी सहमति दी है, साथ ही ऐसा न करने पर LAHDC चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी गई थी। दिल्ली में भाजपा नेताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जी किशन रेड्डी सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद स्थानीय नेताओं को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगें मानी जाएगी। इसके बाद LAHDC में भाजपा की जीत हुई और 26 में से 15 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।